हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पलता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में पुष्पलता किचन में। कैसे हो आप सब ज़रूर बताना। आज मैं आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी अगर आपने एक बार बना लिया तो फिर आप बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सौफिया दम आलू की रेसिपी। तो चलिए बताती हूँ कैसे मैंने बनाया है। सौफिया दम आलू बनाने के लिए हमने मस्टर्ड ऑयल का ही यूज करना है। मस्टर्ड ऑयल लेना है, उसमें पिसा हुआ 1 चम्मच सौंफ डालना है, 1 बड़ी इलायची, 2-3 तेज़पत्ते डाल के उसके बाद हमने यहाँ पे टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट लिया है और उसको हमने अच्छे से पीस लिया है और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इसको हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा भून जाए तो इसके साथ ही हमें मसाले भी यूज करने हैं। तो यहाँ पे रेगुलर मसाले जो हमारे होते हैं वही हमें यूज करना है। मसाले आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डालूँगी 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला, जीरा पाउडर डाला, उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच मैंने किचन किंग मसाला डाला और इन सारे मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे। ये डाला मैंने हल्दी पाउडर। अपने क्वांटिटी के हिसाब से मसाले आप जितना आपको लेना हो ले सकते हैं। किचन किंग मसाला आप अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं डालें तो भी चलेगा। इसको हमें मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना है। उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे और मसालों को तब तक हमें भूनना है जब तक कि ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पहले लहसुन प्याज उसको भून लेते हैं, बाद में मसाले डाल के फिर भूनते हैं, तो वो नहीं। मसाले प्याज के साथ अगर आप भूनते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट, कलर सब बहुत अच्छा आता है, सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर देखिए, मसाले भूनने के लिए हमें 2 से 3 मिनट चाहिए, तब हमारे मसाले भून जाएंगे। जब तक इधर मसाले भून रहे हैं तब तक हम जो आलू को बॉयल करके रखे हुए हैं उन्हें हम पील कर लेंगे और उनको हम कट कर लेंगे। तो तब तक तो यहाँ पे हम मसाले भून चुके हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक साइड में ये पोटैटो मैंने कट कर लिया था और इसको मैंने 1 पोटैटो में 3 पीस किया है और अब हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे। बहुत लोग क्या होता है कि ये पोटैटो को खड़े रहने देते हैं लेकिन तो उसमें फ्राई कर लेते हैं तो मसाले के अंदर तक नहीं जाते हैं तो वो उतना टेस्टी नहीं लगता है। आप एक बार इस तरीके से बना के देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इस तरीके से अब हम इसे भून लेंगे। एक साइड में मैंने गरम पानी कर लिया था। गरम पानी ही डालना चाहिए, कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी हो ना तो आप गरम पानी पहले साइड में कर लीजिए और उसको डालिए, तो क्योंकि उसी समय सब्जी का जो टेम्परेचर हाई होता है तो हाई में ही अच्छा से सब्जी पकेगी। अगर हम ठंडा पानी डाल देते हैं तो सब्जी का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है और सब्जी को बनने में भी टाइम लगता है और टेस्टी भी नहीं बनती है। तो आप हमेशा कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं तो सबसे पहले आप पानी को गर्म कर लें। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। बीच में 1-2 बार चला लेंगे और अब आप सब्जी देखिए, इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा आया है और ये सब्जी एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसको आप पराठे के साथ, पूरी के साथ, राइस के साथ, जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर कोई गेस्ट आए तो भी आप इसे बना सकते हैं और कोई भी खाएगा तो यही पूछेगा कि आपने कैसे बनाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और लास्ट में मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला था, वो क्लिप मिस हो गया, उसके लिए सॉरी। और लास्ट में देसी घी, हरा धनिया डालना बिल्कुल नहीं भूले, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इसको एक बार शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखें।